आज हम पढ़ेंगे साझेदारी प्रवेश में ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। तो इसके लिए हमको सर्वप्रथम ये समझना पड़ेगा कि ख्याति होती क्या है। किसी भी कंपनी की नेम, एम, प्रसिद्धि होती है ख्याति, अर्थात संपत्ति के अतिरिक्त दिया जाने वाला मूल्य कहलाता है ख्याति। ख्याति एक प्रकार की अदृश्य संपत्ति है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी कंपनी को क्रय करते हैं तो जाहिर सी बात है उस कंपनी की सारी संपत्ति खरीदेंगे, तो उस संपत्ति का मूल्य माना कि 10 लाख रुपए है, लेकिन हम उस कंपनी को क्रय करते समय 12 लाख रुपए दे रहे हैं, 2 लाख रुपए अतिरिक्त मूल्य दे रहे हैं, तो वो 2 लाख रुपए अतिरिक्त उस कंपनी के नेम के लिए, नाम के प्रसिद्धि के लिए है। और नेम, फेम, प्रसिद्धि क्या कहलाती है? ख्याति। तो इस ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार होता है ये हम जानेंगे। ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार होता है, तो ख्याति मूल्यांकन की 4 विधियां होती हैं। एक होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है एन्युटी मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति मूल्यांकन की विधियां, मेथड ऑफ गुडविल। इसमें सर्वप्रथम पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, अर्थात औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। यह कैसा, जैसे विगत 3 वर्ष या 5 वर्ष में कंपनी को लाभ हुआ है, तो 5 वर्ष का प्रॉफिट को हम जोड़कर जितने भी वर्ष है 5 वर्ष उससे हम डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, वो क्या होगा, औसत लाभ। इसके बाद सेकेंड आते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसे हम अधिलाभ विधि भी कहते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अधिलाभ। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो इसमें अगर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो ऊपर फर्स्ट वाले फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। लेकिन अगर नॉर्मल प्रॉफिट गिवन, अगर नॉर्मल प्रॉफिट दिया है तो ठीक, अगर नहीं दिया है तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, औसत विनियोजित पूंजी गुणित आय की सामान्य, औसत विनियोजित पूंजी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर प्रश्न में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ए कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑल एसेट्स ले लेंगे सभी संपत्तियां, उसमें माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी। ऑल एसेट्स मतलब जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, देनदार, कैश, इस प्रकार की सभी संपत्तियां, उसमें माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी चल दायित्व अर्थात लेनदार, बैंक अधिविकर्स, अदत्व, इस प्रकार के किसी भी व्यय हो जो पूंजी को छोड़कर या लायबिलिटी, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड अर्थात विनियोजित पूंजी। अगर हमको प्रश्न में औसत विनियोजित पूंजी कहा गया है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो औसत विनियोजित पूंजी के लिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें माइनस करेंगे 1/2 हाफ करंट ईयर प्रॉफिट, इस वर्ष का आधा लाभ इसमें से घटा देंगे तो जो आएगा वो हो जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, औसत विनियोजित पूंजी। फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इस औसत विनियोजित पूंजी को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, औसत विनियोजित पूंजी इनटू नॉर्मल रेट जो कि प्रश्न में दिया हुआ हो, फिर कैलकुलेट हो जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। इसके बाद आते हैं हम तीसरे में एन्युटी मेथड अर्थात वार्षिकी पद्धति। ख्याति मूल्यांकन की यह तीसरी पद्धति होती है,
पहला हमने पढ़ा औसत औसत लाभ विधि, दूसरा अधिलाभ विधि, तीसरा वार्षिकी पद्धति एनुइटी मेथड। एनुइटी मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुपर प्रॉफिट इनटू वैल्यू ऑफ एनुइटी, अधिलाभ गुणित वार्षिकी का मूल्य। तो सुपर प्रॉफिट, अगर सुपर प्रॉफिट प्रश्न में दिया तो नहीं रहता, सुपर प्रॉफिट कैसे ज्ञात करेंगे? सेकेंड नंबर के फॉर्मूले से। सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। इस सेकेंड नंबर फॉर्मूले से हमको सुपर प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा इनटू वैल्यू ऑफ वैनिटी, वार्षिकी का मूल्य। प्रश्न में जो भी वार्षिकी का मूल्य दिया हो उस वार्षिकी के मूल्य को ले लेंगे तो हमें ख्याति ज्ञात हो जाएगी। इसके चौथे में हम आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, अर्थात पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि में ख्याति किस प्रकार ज्ञात करते हैं? ख्याति ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस फॉर्मूले में भी हमको सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ की आवश्यकता पड़ती है, और सुपर प्रॉफिट हमें कौन से फॉर्मूले से ज्ञात होगा? सेकेंड नंबर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आय की सामान्य दर प्रश्न में दी रहती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि अगर फर्म में ख्याति का मूल्यांकन कितना है या ज्ञात करना है तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एनुइटी मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इस प्रकार चार मेथड से हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। हम इसे एग्जांपल के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसा कि प्रश्न में दिया है द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ फर्म 4 लाख, एक कंपनी की औसत विनियोजित पूंजी 4 लाख रुपए है, औसत लाभ 50,000 रुपए, वार्षिकी का मूल्य वैल्यू ऑफ एनुइटी 2.50, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आय की सामान्य दर 10%, क्रय किए गए वर्षों की संख्या 3 वर्ष। हमको ख्याति का मूल्यांकन करने बोला है गुडविल बाय ऑल मेथड। तो ऑल मेथड बोला है तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं औसत लाभ विधि से। औसत लाभ कैसे कैलकुलेट करते हैं? कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट गिवन दिया हुआ है 50,000, तो हमको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। कितना दिया है? 50,000। तो दूसरे में आते हैं हम लोग अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो प्रश्न में एवरेज प्रॉफिट गिवन दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट 50,000, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसा कैलकुलेट करेंगे? तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट बराबर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट, औसत विनियोजित पूंजी इनटू नॉर्मल रेट। औसत विनियोजित पूंजी कितनी है प्रश्न में? 4 लाख रुपए। नॉर्मल रेट आय की सामान्य दर कितनी है? 10%। तो 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 40,000। ये हो गया हमारा सामान्य लाभ। अब निकालेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 50,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 40,000। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा हमारा 50,000 माइनस 40,000, अर्थात 10,000 रुपए का आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। अब ख्याति की गणना, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेसिंग ईयर। सुपर प्रॉफिट कितना है? 10,000। परचेसिंग ईयर क्रय किए गए वर्ष की संख्या, क्रय किए गए वर्ष कितने हैं? 3 इयर्स। तो ये आ जाएगा आपका ख्याति 30,000 रुपए। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेट हो गया सुपर प्रॉफिट। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनुइटी मेथड, वार्षिकी पद्धति। वार्षिकी पद्धति से किस प्रकार ख्याति का मूल्यांकन करते हैं? गुडविल कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एसपी इनटू वैल्यू ऑफ एनुइटी, सुपर प्रॉफिट इनटू वैल्यू ऑफ एनुइटी। तो सुपर प्रॉफिट हमने जैसे कैलकुलेट किया था, सुपर प्रॉफिट कितना आया था हमारे पास? 10,000 रुपए।
इनटू वैल्यू ऑफ एनविटी। तो प्रश्न में वैल्यू ऑफ एनविटी गिवन 2.5, कितना दिया है 2.5, 2.50, ये आ जाएगा आपका 25,000, ये आ गई आपकी गुडविल। इसके बाद आते हैं हम, तीन मेथड हो गए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एनविटी मेथड। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि में ख्याति या गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम प्रश्न में एक चीज देखेंगे कि हमको सभी चीज के लिए सुपर प्रॉफिट की आवश्यकता होती है, इसलिए सुपर प्रॉफिट आपका मस्ट है, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आना ही चाहिए। तो गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू वैल्यू ऑफ इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट कितना था हमारे पास 10,000, इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 10,000 इनटू 10 1 लाख, ये आ जाएगी हमारी गुडविल।